Jassi Jaisi Koi Nahin. अच्छी तरह से जानती हो जस्सी के गुलमोहर में बिना नोटिस दिए कोई भी छुट्टी नहीं ले सकता, और अब तो गुलमोहर में फैशन शो भी होने वाला है। और तुम गुलमोहर के चेयरमैन के असिस्टेंट, क्या तुम्हारी कोई रिस्पांसिबिलिटी नहीं है जस्सी? खास तौर पे जब इस ऑफिस में हर इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, हर इम्पोर्टेंट फाइल चेयरमैन के असिस्टेंट कैबिन में रहती, क्योंकि ऐसा करना जरूरी है। सो और ये किसने डिसाइड किया अरमान, तुमने और तुम्हारी असिस्टेंट ने? तुम कहना क्या चाहती हो अमेरिका कि जस्सी ने? एक मिनट सर, आपको मुझे डिफेंड करने की जरूरत नहीं है। मैं अपनी गलती मानती हूं कि मैं किसी को बगैर इन्फॉर्म किए छुट्टी पर चली गई, और इसके लिए मैं बोर्ड से माफी भी मांगती हूँ। माफी तो तुम्हें मांगनी ही पड़ेगी, और साथ में एक्सप्लेनेशन भी देना पड़ेगा। इतने महीने मैंने गुलमोहर में काम किया है, ना तो मैंने कभी छुट्टी मांगी और ना ही मुझे कभी छुट्टी दी गई है। गुलमोहर में काम करके हम पे एहसान कर रही हो? ऐसी क्या इन्फॉर्मेशन है, कौन से सीक्रेट्स हैं तुम्हारी कैबिन में जिसकी वजह से उसे लॉक रखना पड़ता है? हर कंपनी में अपनी कोई इन्फॉर्मेशन होती है जो जरूरी नहीं कि सबके लिए अवेलेबल हो। और तुम्हारी गलती की वजह से जो कंपनी को नुकसान हुआ है पिछले चार दिनों से, उसे कौन कॉम्पेंसेट करेगा? किसी ना किसी को तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। क्या मैं जान सकता हूँ कि गुलमोहर को क्या नुकसान हुआ है, और उस नुकसान के बारे में चेयरमैन को क्यों नहीं बताएंगे? Come on. मैं जानता हूँ कि जस्सी ने बिना नोटिस के छुट्टी ली है, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि उसने छुट्टी ही पहली बार ली है। उसकी मेहनत के सामने ये गलती बहुत मामूली है। आज तक गुलमोहर में जस्सी ने कंप्लेंट का कभी मौका ही नहीं दिया है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। Thank you, Jassi, and keep it up. God bless you. Excuse me. लेकिन अरमान, मुझे जस्सी कुछ बदली से लग रही है। गुलमोहर में आपका एक बार फिर स्वागत है। क्या आप हमें अपने सफर के बारे में कुछ बताएंगे? गुलमोहर से दूर रहकर आपको कैसा लगा? क्या आपको हम में से किसी की याद नहीं आई? एक्सक्यूज मी, आप लोगों को नहीं दिख रहा है जस्सी मैम अभी अभी कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर आई है, उन्हें रेस्ट लेने दे। एक्सक्यूज मी, अगर ये रेस्ट करेंगी तो हमारे अंदर क्या अनरेस्ट का क्या होगा? आप इतनी देर तक कहाँ थी? आप क्यों गई थी? आप किसके साथ गई थी? आप अभी तक अलीबाग में थी, क्या ये सच है या महज़ एक अफवाह? आप इतने दिनों तक वहाँ कर क्या रही थी? नो कमेंट। क्यों, क्या इसमें भी कोई राज है? बता। नो कमेंट। ये क्या जस्सी? सारे सवालों का जवाब मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में दूंगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस? गुलमोहर कैंटीन, लंच टाइम ठीक 1 बजे। सच में बदल गई हूं तो ये मेरे लिए अब जरूरी नहीं है। सब बदल गया जैसी, तेरी सोच भी और तेरे सपने भी। बदल गई हूं।
हेलो जस्सी दीदी को फोन दो। अबे कौन बोल रहा है तू? आप कौन हो? उसका बाप। हमें उनका छोटा भाई। अच्छा, मेरी तो एक ही बेटी है, तू कब पैदा हो गया? अरे पिछले हफ्ते। और बोलना भी शुरू कर दिया? ओहो, अब जस्सी दीदी को फोन दो। नहीं दूंगा, क्या कर लेगा तू? अच्छा धमकी, तो अब समझा जस्सी दीदी भागकर अलीबा क्यों आई थी। भागकर क्या मतलब? और क्या, घर पे खड़ूस बाप और ऑफिस में स्ट्रिक्ट बॉस। और जस्सी दीदी करती भी क्या? अच्छा, तुझे बहुत पता है उसके बारे में। हाँ, पर इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, पापा लोग तो होते ही खड़ूस है। हाँ खड़ूस भी होते हैं और गुस्से वाले भी होते हैं। अब जल्दी से मुझे अपना नाम बता दे वरना फोन में घुस करके तुझे पकड़ लूंगा मैं। शायद आप मुझे छोटा समझकर डराना चाहते हो, पर मैं किसी से डरता नहीं हूँ। और अब मुझे आपसे ज्यादा बात भी नहीं करनी। हाँ, और आइंदा यहाँ पे फोन भी मत करना। वो तो मैं जरूर मिलाऊंगा, पर सिर्फ जस्सी दीदी के साथ बात करने के लिए। ज्यादा श्याणा मत बन। और आप ज्यादा अकड़िए मत अंकल, इस बार तो जस्सी दीदी अपने बॉस से दूर भागी थी, कहीं अगली बार ऐसा ना हो कि वो आपसे दूर भागे। ऑल द बेस्ट खड़ूस अंकल। और जस्सी काम पर फिर से इस तरीके से भागने की क्या जरूरत थी जस्सी? अगर कोई प्रॉब्लम थी, गुस्सा था या दुख था तो मुझे कहना चाहिए, मुझसे बात करनी चाहिए ना तुम्हें। सर प्लीज, आप इस तरह चिल्लाकर मुझसे सवाल मत कीजिए। जस्सी जस्सी जस्सी, तुमने जानती कि अरमान तुम्हारे जाने के बाद कितना अपसेट हो गया था? इनफैक्ट मलिका के बर्ताव पर काफी शर्मिंदा था वो, इसलिए तुम्हें मनाने के लिए अलीबाग तक पहुंच गया वो। लेकिन तुम वहां से निकल चुकी थी तब तक। राज सर, मुझे पता है कि अरमान सर वहां मेरे लिए नहीं आए थे। जरूर गुलमोहर में कोई गड़बड़ हुई होगी, बोलिए क्या बात है। यू राइट जस्सी, तुम्हारा लॉयर शाह, उसे गुलमोहर और कोहिनूर के बारे में सब कुछ पता चल गया है और अब वो हमें ब्लैकमेल कर रहा है। सर ये होना तो नहीं चाहिए था, लेकिन अक्सर इस तरह की डील्स में ये सब होने का डर लगा रहता है। फिर भी उस लॉयर का कोई हक नहीं बनता कि वो हमें इस तरह परेशान करे। परेशान? तुम्हारा लॉयर हमें ब्लैकमेल कर रहा है, ब्लैकमेल? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि उसे असलियत का पता चला कैसे। सर पता तो मुझे भी नहीं है, मैं तो वैसे भी बाहर थी। लेकिन तुम्हारे राजदार तो यहीं पे थे ना? जी नंदू, नंदू को हमारी प्लानिंग के बारे में सब कुछ पता है। कैसे, क्यों, बाय। सर जिस तरह आप मुझ पर भरोसा करते हैं ना, उसी तरह मैं नंदू पर करती हूँ। योर मान, शी इज राइट। जैसी लॉर की कहानी में कोई एंटी क्लाइमेक्स ना हो, इसका मैंने इंतजाम कर लिया है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तुम्हारे लॉयर ने एडवांस मांगा था जो हमने उसे दिया और इसे टेप कर लिया। अब चोर हम नहीं, वो है। अब इसके बाद क्या होगा, हम लंच के साथ साथ बताएंगे। अच्छा आइडिया, चलो जैसी। सॉरी सर, मैं लंच पे आपके साथ नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि सर मैं अपने ऑफिस कलीग्स को पहले से ही बोल चुकी हूँ कि मैं आज लंच उनके साथ करूंगी। इसका मतलब तुम उन सेक्रेटरीज के लिए अपने बॉस को मना करोगी? हाँ अरमान, शी इज राइट। लंच के साथ साथ काम से भी ब्रेक मिलना चाहिए इंसान को। जैसे तुम जाओ, हम लंच के बाद बात करेंगे। राज, राज ये सब क्या है? इस बिहेवियर का क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि जस्सी बदल गई। कुछ बात जरूर है। मुझे समझ नहीं आ रहा आप इतनी बेचैन क्यों हैं? बेचैन? बेबे, तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्या? यही कि जस्सी अलीबाग अरमान से बचने के लिए गई थी। बचने के लिए? अरे नहीं बिल्लू, वो तो छुट्टियां मनाने गई थी। हम जब छुट्टी मनाने जाते थे ना, तो सारे ऑफिस में ढंडोरा पीट करके जाते थे, ऐसे छुप करके नहीं जाते थे हम। पर तुझसे किसने कहा कि वो दफ्तर से भाग रही थी? आकाशवाणी हुई थी। अब तो सच सच बता दे। बात तो मुझे भी नहीं पता बिल्लू, पर जस्सी का दिल बहुत दुखा हुआ था। तो फिर वो लड़का कौन था?
जो जस्सी को दीदी बोल रहा था और मुझे खड़ूस बोल रहा था। चलिए इतने सालों में कोई तो है जिन्होंने आपको सही पहचाना। अच्छा वो रोहन, अरे बहुत प्यारा बच्चा है, अलीबाग में मिला था हमसे। अरे तो फिर पहले मुझे बताया क्यों नहीं? अब क्या? अरे उस लड़के के बारे में। अरे तेरा दिमाग ठंडा हो तभी तो कोई तुझसे बात करे ना। चल अमृत, इसी बात पर इसके लिए कुल्फी बना डालते हैं। चल ला। कोई बात तो जरूर है बेबा जो तुम से छुपा रही है। उस लड़के को तुम्हें बाद में देखूंगा, पहले इस अरमान के बच्चे को देखना। हाँ तो गुलमोहर की रिपोर्टर्स, अब आप अपने सवालों के बौछार शुरू करें। तो जैसी जी, क्या आपको ये पता है कि आपके पीछे हमारा ऑपरेशन पेस्ट कंट्रोल कितना सफल रहा? पेस्ट कंट्रोल? जी हाँ, हमने गुलमोहर के फूल पर चिपकी हुई चींटी को एक ही झटके में मसल डाला। जी हाँ, हमारी गैंग ने मल्लिका मैम से जैसी का दिल दुखाने का बदला ले लिया। तुम लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्यों? सिर्फ 10-20 कॉकरोच जीते थे। मालिका मैम ने जो मेरे साथ किया वो एक पर्सनल मैटर था, उसे गुलमोहर का क्या लेना देना। एक्सक्यूज मी, जो जैसी का दिल दुखाएगा वो चूर चूर हो जाएगा। राइट, जो बात गलत है वो बिल्कुल गलत है। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि हमें उनकी इंगेजमेंट की तैयारियाँ करनी ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि ये अरमान सर और मल्लिका मैम की आपसी बात थी, हम खामखा बीच में पड़ गए। मैडम हरीश चंद्रिका सही कह रही हैं, लेकिन एक बात बताऊं, मल्लिका मैम का सड़ा हुआ चेहरा देखकर मजा बहुत आया। अच्छा ये बता कि तेरी अरमान सर के साथ वापसी की जर्नी कैसी रही? जैसी तुम लोग सोच रहे हो वैसी बिल्कुल भी नहीं। क्यों? हम लोग अलग अलग वापस आए। और अब वैसे भी 1:30 हो गया, लंच ब्रेक ओवर, बाकी की बातें बाद में। अजीब लड़की अभी आई और चली भी गई। तुम लोगों ने सुना नहीं, लंच ब्रेक ओवर, लेकिन भूख तो ओवर नहीं हुई ना। बाय गॉड, मुझे एक आइडिया है, क्यों ना तू भी 2-3 दिन के लिए कहीं घूमने चली जाए। क्या पता वापसी पर जैसे के मूड की तरह तेरी भूख भी बदल जाए। मल्लिका, तुमको नहीं लगता कि जस्सी गुलमोहर के लिए बहुत अनलकी है? मतलब देखो ना, जब भी जस्सी को फैशन शो का इंचार्ज बनाया जाता है तो शो सुपर फ्लॉप होता है। मुझे तो लगता है जैसे जस्सी गुलमोहर की इमेज पर एक बदसूरत सा दाग। डोंट वरी परी, जस्सी इस बार कुछ नहीं कर पाएगी। कैसे नहीं कर पाएगी? देखना, इस बार भी अरमान ना फैशन शो में उसे कोई ना कोई काम जरूर देगा। परी, इस बार का फैशन शो मेरे हाथ में है और मैंने जस्सी के लिए खास अलग से प्लानिंग कर रखी है। कैसी प्लानिंग? मैं जस्सी को इस बार फैशन शो में रहने ही नहीं दूंगी। मतलब जस्सी आउट और उसके साथ मनुष्यत भी? तुम देखना परी, इस बार का फैशन शो हमारे लिए कितना लकी साबित होगा। बेचारा अरमान, अब वो क्या करेगा? जस्सी, मल्लिका फैशन शो का चार्ज अपने हाथ में लेना चाहती है, और इससे पहले कि वो कोई दाव खेले मुझे लगता है कि हमें कुछ करना चाहिए। अरमान, किस दाव की बात हो रही है? दाव बेच की बातें तो फैशन वर्ल्ड में चलती रहती है मल्लिका। मैं इनफैक्ट जस्सी को इसी के बारे में कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रहा था। रियली? क्योंकि मैं भी जस्सी को कुछ इंस्ट्रक्शंस देने ही आई हूँ। मुझे तुम्हें बताने की जरूरत तो है नहीं कि कौन सी, लेकिन फिर भी फैशन शो से रिलेटेड सारी फाइलें तुम मेरे कैबिन में भिजवा दोगी, राइट? मैम, मैंने सब कुछ ऑलरेडी तैयार करके रखा है, आप अभी लेके जा सकती हैं। कहाँ कहाँ भिजवाने में कोई फाइल यहाँ से वहाँ हो गई तो आपको भी शक रहेगा और मुझे भी। मल्लिका, अब चूंकि जैसी वापस आई गई है तो मुझे लगता है कि हमें इसे फैशन शो की मैनेजिंग कमेटी में शामिल कर लेना चाहिए। He's right. मल्लिका, तुम और आर्यन इतने प्रेशर में होगे और जस्सी को तो आदत है ना प्रेशर में काम करने की, so she'll be really helpful. जी नहीं सर, मुझे नहीं लगता सर कि इतने सारे लोगों को एक साथ एक प्रोजेक्ट पर काम करना चाहिए, और वैसे भी
आर्यन सर और मल्लिका मैम तो हैंडल कर ही रहे हैं, मुझे किसी और काम पर ही ध्यान देना है। ये जैसी अपनी सच्चाई का झोला कब उतार के फेंकेगी? अब तुझे क्या हो गया? नहीं यार, जैसी अब पहले जैसे नहीं रही। वो बिल्कुल पहले जैसी है राजू, बल्कि मुझे तो लगता है कि छुट्टियों से आने के बाद वो वापस पहले जैसी हो गई। मुझे उसमें एक अजीब सा बदलाव दिखाई दे रहा है। तुझे ज्यादा देखने की आदत जो है। मेरी नजर गलत नहीं है अरमान राज, मुझे जस्सी पे पूरा भरोसा है। तो फिक्र मत कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हेलो। ओए, तू वापस आ गई? नंदू बुद्धू, मैं आ गई। क्या नए नए ऑर्डर दे रहा है वो तुझको? नंदू मैं जस्सी, जस्सी मेरे लिए एक ब्लैक कॉफी ऑर्डर करना। आगे तेरे बॉस का बुलावा? नंदू तुझे नहीं पता पर अब सब कुछ बदल चुका है। तू मजाक क्यों करती है? तू बदलने वालों में से थोड़ा ना है। नहीं तो ऑफिस में दर्शन देने से पहले अपने दोस्त को ना मिलती? मन तो मेरा भी बहुत कर रहा है। तो ठीक है फिर, मिलते हैं सीबर्ड रेस्टोरेंट में 6:30 बजे। बोल, तू ऑफिस छोड़कर आएगी? हाँ। मतलब नो ओवर टाइम? नंदू मैंने कहा ना मैं आऊंगी। जा, मैंने तेरे इतनी वेट की है, एक शाम इंतजार और सही। ओके, सी यू शायद। बाय। हेलो कैंटीन, एक ब्लैक कॉफी भेज दीजिए अरमान सर के लिए। थैंक यू। जब भी कुछ चाहिए होता ना तभी नहीं मिलता है। इतना सारा सामान और कैबिन इतना छोटा। जैसी ऐसी लड़की है जो सारी दुनिया से प्यार करती है लेकिन खुद से नहीं। अब से मैं अपने बारे में भी सोचा करूंगी और ये मेरा खुद से प्रॉमिस रहा। मुझे पता है कि सैंपल्स बहुत महंगे हैं लेकिन मल्लिका को कौन समझाएगा? समझा देंगे किसी ना किसी तरह। जैसी तुम अभी तक यहाँ हो? मेरी कॉफी कहाँ है? कॉफी? हाँ। जैसी हमारी प्लानिंग पूरी हो चुकी है, तुम्हें जाकर सिर्फ उन लॉयर्स को निपटाना है। लेकिन हमारा टेंशन अभी खत्म नहीं हुआ, हमारे पास अभी कंपनी ट्रांसफर है, फैशन शो और सर, मुझे आपसे एक बात करनी है। क्या? सर मैं अब उस कैबिन में काम नहीं कर सकती। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे एक नए कैबिन में शिफ्ट कर दें। मैं कल से उस कैबिन में नहीं बैठूंगी सर। मैं उसे हमेशा के लिए छोड़ देना चाहती हूँ।